दो है अच्छा डबल है एक ही है बहुत लंबा देखो इतों लगे पूरा हट्टा कट्टा है चंगे खाते पीते घरों है लो जी हाँ जी तमन साहब की हाल है नमस्ते, मैं हूं देवकरण और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पंज पाणी टीवी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो बरसात के मौसम में अक्सर देखते हैं कि सांप अपने बिल से बाहर निकलकर हमारे घरों में या कहीं सड़कों पर देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही आज हम बठिंडा के ओशो प्रेम ध्यान मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमें पता लगा कि एक सांप यहाँ देखा गया है, तो यहाँ पड़े मलबे के नीचे घुस गया है। तो हमने तुरंत स्नेक कैचर सनी जोड़ा को फोन किया, तो वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो सांप पकड़ते हैं, स्नेक रेस्क्यू करते हैं। तो पूरी वीडियो पर बने रहे, क्योंकि पूरी वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल आपके लिए होने वाली है। क्योंकि अक्सर जब भी सांप निकलाते हैं तो कई सांप हमें डस भी लेते हैं, कोई भी नुकसान ना हो पाए। बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, पर बहुत सारे सांपों में जहर होता है पर हमें नहीं पता। तो हम पूरी जानकारी सांपों के बारे में और किस तरह रेस्क्यू होता है आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो पर, आपको दिखाते हैं किस तरह सांप पकड़ते हैं सनी जोड़ा। दोस्तों, आज हम ओशो प्रेम ध्यान मंदिर बठिंडा में आए थे। यहाँ पर हमारे कुछ ओशो प्रेमी थे, ओशो गुरु भाई थे हमारे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सांप रेंग कर जा रहा है दीवार के साथ साथ। बड़ा ही बड़ा लंबा सांप था ये, हमने भी देखा जब वीडियो उसकी बनाने लगे, तो वो भागकर दोबारा ईंटों में चला गया। वहाँ पर जो ढेर पड़ा था ईंटों का, उसमें चला गया। तो हमने उसके बाद तुरंत सन्नी जोड़ा बठिंडा के जो स्नेक कैचर हैं उनको फ़ोन किया, तो वो मौके पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि वो सांप को पकड़ने के लिए जहाँ पर सांप जाकर घुस गया था वहाँ से पत्थरों को उठा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से सांप निकालेंगे। आप पूरी वीडियो पर बने रहें, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह के ये स्नेक रेस्क्यू सांप को पकड़ते हैं। तो पूरी वीडियो पर आप बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो है। क्योंकि कभी भी ये सावन का महीना चल रहा है, तो इन दिनों में सांप जो है वो अक्सर ही घरों में निकल आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सांप अगर घर में निकल आए तो क्या करना चाहिए। सनी जोड़ा जो है उसे हम बात भी करेंगे। आप पूरी वीडियो पर बने रहें, देखिए किस तरह से एक निडर, एक दलेर बठिंडा के ये स्नेक कैचर सनी जोड़ा है। बठिंडा में और भी बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सांप पकड़ने का ये काम करते हैं, जैसे सोनू महेश्वरी जी, गुरविंदर शर्मा जी, उन्हीं के साथ ये सनी जोड़ा जी भी हैं। तो समय समय पर जैसे गोगा जी, जरनैल सिंह सोसाइटी वाले, वो भी सांप पकड़ने का काम करते हैं। तो आज यहाँ पर सनी जोड़ा जी को हमें बुलाया था सांप पकड़ने के लिए। तो आप बने रहिए पूरी वीडियो पर, आपको दिखाएंगे। तो कुछ ही देर में ये देखो नंगे हाथों से, अभी एक हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है और दूसरे हाथ में, हाथ इनका नंगा है। तो इनको एक एक्सपीरियंस है, काफ़ी इन्होंने स्नेक रेस्क्यू किए हैं। बहुत बठिंडा में अलग अलग जगहों पर जाकर ये सांप पकड़ते हैं। कभी किसी के घर में आ सकता है। हमारा जो नंबर है इनका, सनी जोड़ा जी का जो नंबर है वो भी आप देख सकते हैं कि अपनी टीवी स्क्रीन पर आपकी ये चल रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। कभी भी ज़रूरत पड़ती है, कभी घर में या कभी दफ्तर में कहीं भी आपके सांप अगर आ जाता है तो इनको आप कॉल कर सकते हैं। सनी जोड़ा इनका नाम है, साथ में हम मेंशन कर दे रहे हैं, तो नंबर आप नोट कर लीजिए प्लीज़। अभी कुछ ही देर में आप देखना कि ये सांप को किस तरह से पकड़ते हैं, वीडियो पर बने रहिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि एक नॉलेजेबल वीडियो है, इसलिए हम
इस वीडियो को बना रहे हैं। तो जल्दी ही अब इस वीडियो में आप देखें कि बहुत ही एक लंबा सांप है, उसका नाम क्या है सांप का, कौन सी किस्म का ये सांप है, ये तमाम बातें हमें सन्नी जोड़ा जो है वो बताएंगे सांप पकड़ने के बाद सुरक्षित तरीके से। और एक ये भी बात है कि ये सन्नी जोड़ा जो है स्नेक कैचर जो है ये सांप को पकड़ने के बाद ये मारते नहीं, ये पकड़ कर कहीं और किसी सुरक्षित जगह पर जहाँ पर खतरा ना हो किसी को, वहाँ पर आ जाकर ये छोड़ देते हैं इस सांपों को। ज़्यादातर इन्होंने बताया कि यहाँ पर्ल कॉलोनी है, जो पर्ल बठिंडा के गिल पत्ती है, जो वहाँ पर जाकर ये छोड़ देते हैं सांप को। तो थोड़ा सा मलबा रह गया है बस हटाने के लिए, आप कुछ ही देर में देखेंगे कि यहाँ पर जो सांप है वो अभी निकलेगा, शायद पकड़ लिया सांप को, पकड़ लिया। देखिए आप सांप की पूंछ देख सकते हैं कि सांप पकड़ लिया सनी जोड़ा ने, देखिए सुनहरी रंग का ये सांप है, इधर तक इसका मुंह भी है, आप देख सकते हैं कि इन ईंटों के बीच में छिपा हुआ। उसको सुरक्षित तरीके से किस तरह निकालना है, देखो जोर लगाया जा रहा है पूरा, फिर भी ये बाहर नहीं निकल रहा, इतनी मतलब कि जोर है इस पावर है इस सांप में। सुनहरी रंग का ये सांप है, बड़ा ही सुंदर, कैसे इसको सुरक्षित तरीके से, इसको चोट भी ना पहुंचे, जख्म भी ना हो, जख्मी भी ना हो सांप, सुरक्षित तरीके से इसको पकड़ कर किसी सुरक्षित जगह पर, देखो बाजू पर कलाई पर इसने पकड़ लिया है कलाई को पूंछ के साथ, खींचने के बावजूद भी नहीं बाहर आ रहा है। मलबा हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको बाहर सुरक्षित तरीके से निकाला जाएगा, उसके बाद इसको जो इनका जो पैक किया जाएगा, एक इनका थैला होता है, थैले में पैक किया जाएगा। तो अब मुंह के पास जो ग्लव्स जिस हाथ में पहना हुआ है उस हाथ से अब इसको पकड़ कर मलबा हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई जख्म ना आए, ताकि सुरक्षित तरीके से सेफ तरीके से इस सांप को निकाला जा सके सावधानी पूर्वक। देखिए यह है सांप, कौन सा सांप है, अब तमाम जानकारी सनी जी से लेंगे हम। बने रहिए पूरी वीडियो पर, देखते रहिए चैनल पांच पानी टीवी पर, आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो बात करते हैं सनी जोड़ा से, चलो उम्र किन्नी लग दी तुहानू, भी किन्नी लेंथ होर वध सकदी सी इहदी? लेंथ अजे घट्टो घट 10 फुट हो सकदी है, 8 तों 9 फुट हुंदा है, 8 तों मतलब 4 फुट मसा जाए, 3 फुट है, 4 फुट, 4.5 फुट दे नेड़े तेड़े हैगा इह, ज्यादा ज्यादा होगा जी 6 फुट। चलो अंदाजन 5 फुट दे नेड़े तेड़े हैगा, इट्टा का टाइम लगा नहीं तां 2 मिंट ही लगदे, हां इट्टा भी पत्थर सीगे बहुत वड्डे वड्डे, मतलब जेडे हिसाब नाल इह कर रहे आगा, रिएक्ट कर रहे आगा, काफी गुस्से दे विच लगदा गा इह, गुस्सा तो नहीं पर हां जी, इह गुस्से दे विच है कि आपदे आप नूं कोबरा बनन दी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हुण की करोगे सनी जी, इह नूं फिर जेडी खुल्ली इहदा वातावरण हैगा उत्थे छड्ड देंगे इसको, ठीक है, ताकि आपदा कोई मारदे नहीं, कोई मार नहीं, मारना नहीं है जी, ताकि इह ना तां इंसानां नूं कोई नुकसान पहुंचा सके, ना जेडे हैगे इंसान इहनां नूं नुकसान पहुंचाउण, तां उस हिसाब नाल उत्थे छड्ड देंगे इहनूं। चलो ठीक है जी, ये हुण करो इह किच्छे पैक करना तुसीं, इहनूं मैं बैग च पाउंदा जी, आ पै मेरे चोल पैक कर लो, फड़ा फड़ा आया, 1 मिनट भी बंदे नूं दिखा दो, साडे नूं दिखा दो जी, सब फड़ के देख लो, कौन ओ आया भज के, ओ रंजीत देखो जी, एनू कहते हैं यह जरा नाग बल पाउंदा हैगा, नाग बल पाउंदा हैगा, एनू घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं जी, तेज स्पीड करके ना ज
ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਅਗਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਇਹ ਜਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੱਪ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਟ ਸਨੇਕ ਧਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੈਟ ਸਨੇਕ ਹੈ ਧਾਮਣ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਬਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਬਰਾ ਫੜਦੇ ਉਹਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਬਰਾ ਫੜਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਫੜਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਹੀ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਆ ਬਾਬਾ ਕੋਬਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੇੜੇ ਆ ਖਾਸ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕੁਪਮੈਂਟ ਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਬਰੇ ਦੀ ਫੋਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਪੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਟਰੀ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਲਵਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲਵਸ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਕੁਪਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਨੇਕ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਕੁਪਮੈਂਟ ਵਰਤ ਲਏ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਬਰੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਬਰੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਬਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੂੰਗਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਬਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਐ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਡੰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਬਰੇ ਦਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਬਰੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਦੂਰੋਂ ਛੱਡਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਬਰਾ ਉਹ ਮੋਨੋਕਲੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਬਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇਣੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਊਗਾ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈ ਬਾਈਟ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਫਣ ਚੱਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਟ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਈਟ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਪ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨੇਕ ਕੈਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ
एक दूसरा सवाल नाल ही है कि भी अपने इंडिया के किन्ने क प्रजातियां जिहड़ियां ने वो इन्ह दो सालों के एक्सपीरियंस तुसीं देखियां ने टोटल किन्नी प्रजातियां ने? देखो इंडिया लैवल से तो मैं हजे ज्ञानी है, इंडिया लैवल से तो मैं सिर्फ यूट्यूब के उत्ते जां होर थावां उत्ते ही वीडियोज़ देखियां ने सप्पां दीआं। बट पंजाब दे विच अपने 20 किस्म के सप्प ने, 20 दे विचों 3 या 4 किस्म के सप्प जो जहरीले ने, उस तो बिना कोई जहरीला सप्प नहीं है। सन्नी जोरा जी तुहाडा नंबर बोल दो एक बार, कई बार लोड़ पैंदी है इस वीडियो दे लास्ट दे नीचे मीना दे विच अक्सर सप्प निकलदे ने लोक कोई कितना कांटेक्ट कर शुरू हो गया जी इन्हां दा, हुण बस मीं पैंदे रहणगे सप्प बाहर आउंदे रहणगे। सन्नी जोरा जी दा नंबर भी असीं नीचे स्क्रीन ते चल रहा तुसीं देख रहे हो, कदे भी कोई लोड़ पैंदी है ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਸਨੇਕ ਕੈਚਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਨੀ ਜੋੜਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9998992231। ਤੋ ਇਹ ਸਨੀ ਜੋੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸੇ ਸਾਂਪ ਕਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਆ, ਸਾਂਪ ਕੋ ਪਕੜਾ। ਤੋ ਆਪ ਕਭੀ ਵੀ ਇਨਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਤੋ ਨੀਚੇ ਹਮਾਰੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੇਂ स्क्रीन के नीचे आप नंबर देख सकते हैं कि सनी जोड़ा जी का चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अच्छा भी रखिए नर्सरी जा गया है भैया ने। ओए भजाओ भजाओ कोड़े मेरे वाला होता तेरा तुझे पीछे भजो मगर वो पिछे मेरे रास्ता है नी पिछे ना बजियो कार से फन नहीं करता। नहीं फन नहीं करता, ये फन वाला नहीं हैगा। बहुत सोना छोटा नहीं नहीं फिर उठ ग्राउंड शॉट कल्ले दे भी जरूरी है ना, आया ना लगे भी बड़ा ही है। गुस्से च कल कर दो कर दो।